नमस्कार दोस्तों, क्रैकेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबको शेयर करें। तो पिछले वीडियो में आपने सीखा था प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, प्रतिशत इंक्रीज डिक्रीज। इस वीडियो में आपका टाइप फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। अब यहाँ से आपका टाइप फोर है चुनाव पर आधारित। इलेक्शन होते हैं उन पर आधारित। इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी होता है उम्मीदवार। और कितने उम्मीदवार? कम से कम दो उम्मीदवार होने चाहिए। अगर दो उम्मीदवार नहीं होंगे तो चुनाव नहीं हो सकता है, ठीक है? तो मिनिमम दो उम्मीदवार आपको चाहिए चुनाव के लिए, ठीक है? इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले केस, सिंपल केस से चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दो उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे, वोटों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, एक चुनाव में 507 वोट मिले 65% वाले को, यानी एक व्यक्ति को 65% वोट मिले थे और जिनकी संख्या थी 507, ठीक है? तो चुनाव में दो लोग रहे होंगे ए और बी, जिसमें से एक व्यक्ति को कितने मिले थे? 65% मिले थे। अब जब एक व्यक्ति को 65% मिले हैं तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे? जाहिर सी बात है 35। क्यों? क्योंकि वोट तो 100% पड़ा होगा ना, वोट 100% पड़ा होगा। किसी भी चुनाव में 100% वोट होता है, वोट 100% होता है। उसके बाद वोट ख़राब होता है, जैसे लिख के आ जाता है अवैध वोट हो गए 5%, 10%। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में सीधे सीधे दे दिया है कि एक को 65% मिले थे और उनकी संख्या 507 थी, यानी 65% जिसको मिले थे उनकी संख्या थी 507, ठीक है? 65% की वैल्यू 507। आपको निकालना क्या है? 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू 65 बटे में चला जाएगा 507 के। ये हो गई आपकी 1% की वैल्यू। अब आपको 100% करना है तो क्या करना होगा? यहाँ गुणे 100 करोगे, यहाँ भी गुणे 100 करोगे, तभी तो 100 होगा। ये 1% है, इसको 100 बनाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो कर दें, 100% बराबर 507 बटे 65 गुणे 100। काट लीजिए इसको, 5 से कट जाएगा ये 20 बार और ये 13 बार, 13 से ये कट जाएगा 39 बार। 20 गुणे 39 बराबर 780 वोट, यानी उसमें 780 वोट पड़े थे उस चुनाव में। आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे तो कैसे निकालते? कुल वोट 780 थे, ए को मिले थे 507, इसमें घटा देते 780 में, तो जो आता वो आपके बी के वोट होते, यानी दूसरे उम्मीदवार के वोट होते। समझ में आया? पहला केस सिंपल केस था, बहुत ही समझ में आ गया हो तो दूसरे में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ें, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 वोटों से विजय हुआ, तो जीतने वाले प्रत्याशियों को वोटों की संख्या बताएं, यानी जो जीता था वो कितने, उसके कितने वोट मिले थे, ठीक है? कैसे लगाएंगे इसको? देखो, दो बीच ए और बी के बीच में चुनाव हुआ, हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी संख्या एक्स और वाई किसी के बीच भी चुनाव हुआ। ए और बी के बीच में चुनाव हुआ जिसमें से एक को कितने वोट मिले थे? कुल डाले गए मतों का 60% वोट मिले थे एक को, जो जीता था उसको 60% मिले थे। अगर इसको 60% वोट मिले थे तो बी को कितने मिले होंगे? 40% मिले होंगे। वोट तो 100% होता है, कुल वोट 100% ही होता है। एक को 60% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 40% वोट मिलेगा इसको, बी को 40% वोट मिलेगा। अब ये इसको हरा कितने से रहा है?
ए बी को कितने परसेंट से हरा रहा है, 20% से हरा रहा है। और ये 20% की वैल्यू ही कितनी है, आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1400। ए बी से ए बी को 1400 वोटों से हरा रहा था और परसेंटेज में कितने से हरा रहा है, 20% से। यानी इस 20% की वैल्यू ही कितने के बराबर है, 1400 के। 20% की वैल्यू ही आपके 1400 के बराबर है। तो क्या निकालेंगे, वोटों की हमको कुल संख्या निकालनी है पहले, या आपको 60% की निकालनी है, एक ही संख्या निकालनी है ना, जो पहला जीता प्रत्याशी कितने वोटों कितने वोट पाया था। ठीक है, तो पहले हम 100% वोट निकाल लें। 20% की वैल्यू है 1400, तो 1% की वैल्यू 1400 बटे 20, 20 नीचे चला जाएगा उस तरफ 1% की वैल्यू के लिए। अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, कुल वोट 100% थे, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना होगा, गुणे 100 करना होगा यहाँ पे, तभी तो ये 100% बनेगा। तो 100% जब आपने यहाँ 100 का गुणा किया है, तो यहाँ भी 100 का गुणा होगा। 100% बराबर 1400 बटे 20 इंटू 100, 20 से काट दीजिए, कितने बार कटेगा, 5 बार, 1400 गुणे 5 कर लीजिए, कितना आएगा, 0020, 2 हासिल, 5 5 2 7, यानी कुल वोट पड़े थे 7000। 7000 वोट पड़े थे उस चुनाव में, और आपसे संख्या किसकी पूछ रहा है, एक ही, कि एक कितने परसेंट वोट पाया था। तो 100% की वैल्यू है 7000, और ए हमारा 60% पाया था, तो इस 7000 का 60% निकाल लें, ए के वोट मिल जाएंगे, इस 7000 का 60% निकाल लें, कितना आएगा। हमने परसेंटेज निकालना पहले वीडियो में बताया है, जिसको नहीं बताया वो पहला वीडियो चेक कर ले जाके। इसके एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, कितने की वैल्यू हो जाएगी, 10% की, यानी आपकी 10% की वैल्यू कितनी है, 700, और गुणे 6 और कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4200। यानी आपको एक वोट कितने मिले थे, 4200। अगर आप ये 10% निकालना इस तरह नहीं करना चाहते हैं, तो सीधे सीधे कर लें, 7000 गुणे कितना, जितना परसेंट निकालना हो, 60 बटे 100, ये 00 से 00 कट गए, वही आया 700 गुणे 6, किसी तरह भी परसेंट निकालें आएगा वही। तो आंसर आपका कितना है, 4200, ए को 4200 मिले थे। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि बी कितने वोट पाया था, तो आप 100% का निकाल सकते हैं सीधे सीधे, 100% का 40% निकाल दें आप, तो आपको बी के वोट मिल जाएंगे। अगर आपको वैसा नहीं करना है, तो क्या 4200 में, सॉरी 7000 में 4200 घटा दीजिए, बी के वोट मिल जाएंगे। क्यों, कुल वोट में अगर हम ए के वोट घटा दें, तो बी के वोट मिल जाएंगे हमको। ठीक है, समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या बताएं। देखिए, चुनाव हुआ था, एक उम्मीदवार क्या हुआ, सबसे पहले तो 20% वोट अवैध घोषित हुए, और टोटल वोट थे 7500, यानी 7500 वोट थे। इसमें 20% वोट खराब हो गए, खराब किसी भी तरह हो सकते हैं, पता है कि जैसे पहले डबल वो थप्पा लगता था, तो किसी ने बीच में लगा दिया जाके, अब या ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो गई, तो वोट इस तरह खराब हो गए, 20% वोट खराब हो गए। तो क्या करेंगे, 20% वोट हटा देंगे इससे, इसका 20% निकाल के इससे हटा देंगे, 20% निकालेंगे, 10% की वैल्यू 750, 20% की वैल्यू 1500, तो 1500 वोट घटा देंगे जब हम, तो हमारे पास वोट कितना बचेगा, 6000 वोट बचेगा। ये 6000 क्या है, कुल वैध वोट है, यानी अब जो कुछ होगा हमारा होगा, अब 100% हमारा यही है, 100% हमारा 6000 ही है, कुल वैध है, ये हमारा वैध वोट है, अब जो भी होगा सब इसमें होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है, एक उम्मीदवार 55% लाया था, यानी इसका ही 55% लाया होगा, वैध वोटों का 55% लाया, 6000 वोट हमारे वैध हैं, और उसका 55% लाया, तो दूसरा उम्मीदवार जो बी उम्मीदवार होगा, कितना परसेंट वोट लाया होगा, 45% वोट लाया होगा,
जब एक 55% लाया तो दूसरा 45% लाया होगा, क्यों? क्योंकि 100% होता है कुल बोर्ड, एक 55 लाया दूसरा 45 लाया, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या, यानी इसकी संख्या, तो हम 6000 में 45% निकाल लेंगे तो हमारे वोट की संख्या आ जाएगी 6000 का। आप 45% निकाल लीजिए, 6000 गुणे 45 अपॉन 100, 00 से 00 कट गया, गुणा कर लें, 6 × 5 = 30, 3 हासिल, और 6 × 4 = 24, 3 = 27, 2700 वोट मिले थे बी को, दूसरे उम्मीदवार को 2700 वोट मिले थे। अगर पूछ लेता पहले उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे, तो क्या करेंगे, 6000 में 2700 वोट घटा देंगे, पहले उम्मीदवार का वोट आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चुनाव के इसी तरह लगते हैं, तीन केस हमने आपको बता दिए, इन तीन केस में ही लग जाएंगे। पहला केस तो सिंपल होता है, फिर दूसरा जीतने का था, और तीसरा जब वोट खराब हो जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लगाइएगा कमेंट में, क्वेश्चन आप अपने भेज दीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पे आप ऐड हो जाइए, कहीं भी दिक्कत है आपको आप सॉल्व करवा सकते हैं। अब अगले टाइप पे चलते हैं, तो अगला टाइप है आपका टाइप 5, जनसंख्या पर आधारित, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखें, पहला आपकी स्क्रीन पर है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 180,000 है, यदि इसमें 10% की वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। कोई शहर की जनसंख्या 180,000 थी और 10% हर साल बढ़ रही है, तो 2 साल बाद पूछा है कितनी हो जाएगी। इसके 2-3 तरीके हैं, पहला आप देख लीजिए बेसिक तरीका, शहर की जनसंख्या कितनी थी, 180,000, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 10% बढ़ रही है, किसी लोगों के मन में आएगा कि पहले साल 10% बढ़ी है, फिर 10% बढ़ी है, यानी टोटल 20% बढ़ी है, इस तरह नहीं लगा सकते, क्यों? पहले साल जब 10% बढ़ गई है जनसंख्या, तो 180,000 में इसका 10% जुड़ गई होगी, फिर जो बढ़ेगी उस बढ़ी हुई जनसंख्या में बढ़ेगी, ठीक है, ना कि 20% डायरेक्ट बढ़ जाएगी, जो जनसंख्या बढ़ी है उसमें बढ़ेगी। तो इसका बेसिक तरीका आप पहले 10% इसका निकाल लें, 180,000 का, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 10% की वैल्यू होती है, जोड़ दें इसमें, 180,000 में कितना जोड़ देंगे, 18,000 जोड़ दें, ठीक है। ये क्या हो गई, ये जो पहले साल जनसंख्या बढ़ी होगी वो निकल के आई है, अब अगले साल फिर 10% बढ़ रही है, तो फिर इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दें, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 10% की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यानी कितना, 19800, इतना और जोड़ देंगे इसमें, 008 89 कितना हो जाएगा, 17, और इधर हो जाएगा आपका 9 2 11, हाँ ठीक है, एक आएगा और एक हासिल यहाँ 2,17,800, ये आपका आंसर है, 2,17,800, ठीक है। ये तो आपका पहला तरीका है, एक तरीका आपका और होता है, किताब में होता है, ये 180,000 जनसंख्या थी, क्या हुआ, पहले साल 10% बढ़ी है तो 110/100, दूसरे साल फिर 10% बढ़ी है 110/100, तीसरे साल अगर बढ़ती तो फिर 110/100, चौथे साल बढ़ती तो फिर 110/100, ठीक है। इस तरह गुणा कर देते, ये जीरो से ये जीरो कट गए, ये जीरो से ये जीरो कट गए, 1800 × 121 गुणा कर लेंगे, 2,17,800 ही आएगा, ठीक है। ये दो हैं आपके बेसिक तरीके, अब आप इसको भिन्न से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भिन्न में कन्वर्ट करना हमने पहले वीडियो में बताया था कि भिन्न से क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। जैसे आपका दिया है इसमें 10%, जो 10% दिया है इसी को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 100/100, ये आपकी भिन्न बन गई, 1/10, ये आपकी क्या थी, पहले की जनसंख्या, ऊपर वाली आपकी क्या होती है, वृद्धि या कमी, ठीक है। दोनों में से जैसा आपका क्वेश्चन बोलेगा वैसे कर लेंगे, पहले इसमें क्या कह रहा है, 10% हर साल बढ़ती है, तो ऊपर वाली आपकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है।
पहले आपकी जनसंख्या थी 10, अब कितनी हो गई, ऊपर वाली जुड़ गई 11 हो गई, ये पहले साल हुई। अगले साल भी इस तरह होगी, 2 साल बोल रहे हैं, पहले 10 थी फिर 11 हो जाएगी। अगर 3 साल बोलता तो फिर 10 से 11 हो जाती, 4 साल बोलता फिर 10 से 11, 5 साल, जितने साल बोलता उतने साल हम उसका रख लेते, गुणा करते जाते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा हो जाएगा, ये हो गई आपकी 100 और ये हो गई 121, ये आपकी थी पहले और ये आपकी थी बाद, ठीक है। पहले आपकी जनसंख्या थी 100 और ये थी बाद वाली 121, ये हमारे द्वारा बनाई हुई है, ये हमने बनाई है, क्वेश्चन में कुछ और दी हुई है। क्वेश्चन में पहले जनसंख्या कितनी दी थी, 180,000 पहले की जनसंख्या, और 2 साल की बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। पहले की जनसंख्या हमने कितनी बनाई है, 100, हमने पहले की जनसंख्या 100 बनाई है और क्वेश्चन में दी है 180,000। तो हम निकालने की हमारे 1% की वैल्यू, हमारे 1 अंक की वैल्यू क्वेश्चन में कितने अंक के बराबर है, कैसे निकालेंगे। हमारे 100 की वैल्यू 180,000 के बराबर है, तो हमारी 1 की वैल्यू बटे में चला जाएगा, 180,000 बटे 100, 00 से 00 कट जाएगा, हमारे 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 1800 के, ठीक है। तो हमारे 121 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, हम इस 1800 का गुणा कर लेंगे, ये हमारे क्वेश्चन के बराबर पहुंच जाएगी। जब हम 121 में 1800 का गुणा करेंगे तो 217,800 ही आएगा, समझ में आया। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले आप भिन्न में तोड़ेंगे, जो भी आपका परसेंट दिया भिन्न में तोड़ने के लिए बटे 100 कर देते हैं, 10% दिया था बटे 100 कर लिया, 1/10 हमारी आ गई भिन्न में। अब ये नीचे वाली हमारी होती है पहले की जनसंख्या और ऊपर वाली होती है कमी या वृद्धि, ठीक है। तो पहले हमारी जनसंख्या थी 10 और क्वेश्चन में बोल रहा हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, अगर कहता हर साल जनसंख्या घट रही है तो हमारी ऊपर वाली ये घट जाती, यानी 10 से 9 हो जाती, इधर भी 10 से 9 हो जाती, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है हर साल तो 10 से 11 हुई, दूसरे साल भी 10 से 11 और साल बोलता तो 10 से 11 जितने बोलता, 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है। तो ये तो हमारे द्वारा बनाई हुई संख्या थी, हमारे द्वारा बनाई हुई पहले की जनसंख्या कितनी आ रही, 100, और बाद की हमारे द्वारा बनाई हुई जनसंख्या कितनी आ रही, 121। क्वेश्चन में अलग दिया है कि पहले की जनसंख्या थी 180,000, तो हमारे 100 की वैल्यू 180,000 के बराबर है, हमारे 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, वो है 1800 के बराबर, ठीक है। तो हमारे 121 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर होनी चाहिए, तो 1800 का गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 217,800, यही आंसर है, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में बता दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, 5% बढ़ती है, यदि 1995 में इसकी जनसंख्या 138,915 थी, 138,915 थी, तो 1992 में जनसंख्या कितनी थी, 1992 में जनसंख्या कितनी थी, यानी 1995 में 138,915 थी और 1992 में कितनी होगी अगर हर साल 5% बढ़ रही है, ठीक है। फ्रैक्शन से लगाएंगे इसको, फ्रैक्शन से लगाते हैं, देखिए जनसंख्या हर साल बढ़ रही है, हमें पीछे की निकालना है लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अभी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हम ऊपर वाला वृद्धि ही लेंगे, ठीक है। पहले तो 5% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 5/100 यानी कितना हो जाएगा, 1/20, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है हर साल 5% से बढ़ रही है, तो ये हमारी वृद्धि हमेशा बढ़ेगी ही, अगर बोलता 5% घट रही है हर साल तो हम क्या करते, इसको घटा लेते, लेकिन बढ़ रही है तो हमारी 20 से 21 होगी, ठीक है। कितने साल दिए हुए हैं, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 1995 से 1992, कितने साल होते हैं, 3 साल, ठीक है। तो कितने बार ये होगा 20 से 21, 3 बार, ठीक है।
इसका गुणा कितना होता है, इसका 20 का क्यूब कितना होता है, ये होता है आपका 8000, ठीक है। और 21 का क्यूब होता है आपका 9261, ठीक। अब क्या है, फिर से वही तरीका अपना, इस बार लेकिन ये आपका ये पहले का है और ये बाद का है। इस बार क्वेश्चन में क्या दे दिया है, बाद की जनसंख्या दे दी है। क्वेश्चन पढ़िए आप, उसमें दिया है 1995 की और 1992 की पूछ रहा है, यानी पहले की पूछ रहा है आपको। क्वेश्चन में इस टाइप में लगाने में सिर्फ यही चीज़ का गौर करना है कि जनसंख्या कब की पूछ रहा है, पहले की पूछ रहा है या बाद की पूछ रहा है, और आपको निकालनी कब की है, पहले की निकालनी है या बाद की निकालनी है। तो क्या है, बाद की जनसंख्या दी हुई है और पहले की निकालनी है, यानी आपकी 9261 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 138,915, और आपको निकालनी कब की है, 8000 की निकालनी है, पहले की निकालनी है। ये आपकी 95 की दी हुई है और 92 की निकालनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे हम, हमारे एक की वैल्यू क्वेश्चन के कितने के बराबर है, तो एक की वैल्यू की निकालने के लिए क्या करेंगे, बटे में चला जाएगा, 138 बटे कितना चला जाएगा, 9261, 9261 से काटिए कितना आएगा, तो हमारे काटेंगे हम इसको तो हमारी एक की वैल्यू आएगी 15, यानी हमारे एक की वैल्यू क्वेश्चन में 15 के बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो हमारे 8000 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर होगी, तो गुणे 15 गुणे कर लें कितना आएगा, 15 अट्ठे 120, कितना आया, 120,000, यानी पहले 120,000 थी और उसके बाद क्या हुई, हमेशा बढ़ती रही 5%, तो 1995 में जाके कितनी हो गई, 138,915, ठीक है। इसको आप बेसिक से घटाकर नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि बाद की दी हुई है और पहले की पूछ रहा है। हम बेसिक से तब निकाल सकते हैं जब हमें पहले की दी हो और हम बाद की निकालें, पहले की दी हो और बाद की निकालें। इसमें क्या है कि बाद की दी है और पहले की पूछ रहा, हम रिवर्स नहीं जा सकते हैं। या तो आप इसको किताबों के हिसाब से लगाइए, कैसे, बाद की जनसंख्या थी 138,915 और हर साल 5% बढ़ रही है, हम अगर हमको पहले की दी होती थी, बात की निकालनी होती थी, तो हम ऊपर बढ़ा लेते थे, जैसे 10% पिछले में बढ़ाया था, 110/100 कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, 100 ऊपर रहेगा और 105 नीचे हो जाएगा, पहले साल दूसरे साल इंटू तीसरे साल, काटेंगे आप, काटने में आपका 120,000 ही आएगा, ठीक है। हम आगे नहीं बढ़ सकते उस तरह, कब रिवर्स हो रहा है कब सीधे जा रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, इसके बाद आपका परीक्षा वाला होगा और संख्या वाला होगा, वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को मिस ना करें।